तो और भाई क्या हालचाल, संस्कार से नमस्कार भाई। फाइनली फाइनली पब्लिक की आवाज उन लोगों को सुनाई दी जो सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते के अगर परफॉर्मेंस आप सब देखे होंगे सुपरस्टार सिंगर 2 के, जिनमें फैज का जो परफॉर्मेंस था वो नेक्स्ट लेवल गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि फैज एक ऐसे कंटेस्टेंट थे सुपरस्टार सिंगर 2 में जिनको जनता तो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कर रही थी, लेकिन जो मेकर्स थे, जो जज लोग थे, वो गलत कर रहे थे फैज के साथ, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छी मतलब कि सपोर्ट नहीं मिल रही थी इस शो से। लेकिन अगर आप इस हफ्ते का परफॉर्मेंस देखे होंगे तो इस हफ्ते का परफॉर्मेंस फैज का बहुत ही नंबर वन गया है, और नंबर वन कंटेस्टेंट की लिस्ट में नाम आया है मोहम्मद फैज का, जिसको लेकर जितने भी फैज के फैन थे वो काफ़ी खुश हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब जो फैज जो अब जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो विनर वाला परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब जो एक विनर परफॉर्मेंस देता है वैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं मोहम्मद फैज शो में। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मोहम्मद फैज को एज ए विनर की तरफ लोग देख रहे हैं, क्या वो सही है कि गलत है? क्योंकि लोगों का बहुत से लोगों का ये मानना है कि फैज को विनर होना चाहिए सुपरस्टार सिंगर 2 का। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या सच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।